इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अच्छी गुणवत्ता वाली रेत की पहचान कैसे करें। महीन दानेदार सामग्री का तात्पर्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उन कणों जैसे रेत या कृत्रिम रूप से बनाए गए कणों जैसे तोड़े गए पत्थर और चट्टान से है, जिनका प्रयोग मसाला और कंक्रीट बनाने के लिए किया जाता है। रेत सबसे अधिक सामान्य निर्माण सामग्री है जो अधिकांश स्थानों पर पाई जाती है। हालांकि रेत की गुणवत्ता जोड़ के मजबूतों को निर्धारित करती है। ऐसी रेत जिसमें कचरा, जैविक गंदगी या खनिज लवण मिले होते हैं, निर्माण कार्य में प्रयोग होने के लिए अनुपयुक्त है। अच्छी और साफ रेत सुनहरे पीले रंग की होनी चाहिए और इसे छलनी से छाना जाना चाहिए ताकि इसमें मोटे कण न हो। ऐसे कण जो नुकीले और कोणीय होते हैं, वे आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। कणों के माप के आधार पर रेत को कई किस्मों में वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर कंक्रीट बनाने के लिए मोटे रेत को और ईंट की चिनाई और मसाला लगाने के कार्यों में महीन रेत को प्रमुखता दी जाती है। रेत की गुणवत्ता जांचने के लिए एक मुट्ठी भर रेत लेकर दोनों हथेलियों के बीच रगड़ें। अच्छी गुणवत्ता की रेत हथेलियों पर थोड़ी मिट्टी या धूल छोड़ती है और चिपकती नहीं है। शीशे के एक बर्तन को रेत से आधा भरे और 3/4 भाग तक साफ पानी डाले। उसे अच्छी तरह से हिलाए और उस मिश्रण को बैठने का समय दे। सबसे अधिक भारी होने के कारण रेत के कण बर्तन के तल पर तुरंत बैठ जाएंगे। बर्तन को बिना छुए एक दिन के लिए रखें या जब तक मिट्टी और धूल रेत के ऊपर अच्छी तरह से न बैठ जाए। अब आप मिट्टी और धूल के स्तर को यह सुनिश्चित करते हुए देखें कि वह रेत के 4% से अधिक न हो। यदि आपने रेत की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर नापी है, तब उसके ऊपर टिकने वाली अशुद्धता 4 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अशुद्धताएं अधिक मात्रा में हो, तब रेत को बदलने की आवश्यकता है। अब आपने अच्छी गुणवत्ता वाली रेत की पहचान करना सीख लिया है।